हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो रिक्रूटमेंट पब्लिश किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट 2023 के ऑफिशियली न्यू नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। आज इस वीडियो के अंदर एज सिलेक्शन, पोस्ट नेम क्या है, कहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हो। तो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को एक एक जानकारी देने वाला हो। एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन हर बार की तरह बैंक ऑफ इंडिया सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। अगर आप लोग वहाँ पर चेकआउट करोगे तो उसमें भी आप लोगों को ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन की अपडेट पब्लिश किया गया है, उसी के ऊपर चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, इस बार की जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जिसमें फिर से जो है इस पोस्ट वाइज जो रिक्रूटमेंट निकल के आया, उसके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन होने के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। एंड जिसका विंडो जो है, इसका लिंक जो है ओपन एक्टिव हुआ है फिर से। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक जानकारी। जो फर्स्ट पोस्ट है चीफ मैनेजर बिजनेस एंड फाइनेंस के ऊपर रिक्रूटमेंट है, सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के एंड चीफ मैनेजर इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिक्रूटमेंट के लिए तीनों पोस्ट निकल के आया है। इसके ऊपर बेसिकली आपको रिक्रूटमेंट के लिए अपडेट पब्लिश किया गया है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि है लास्ट डेट 11 मई 2023 इज़ द लास्ट डेट। उससे पहले आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द वैकेंसीज, जो फर्स्ट पोस्ट है उनके लिए 3 वैकेंसीज है, जो कि है चीफ मैनेजर बिजनेस एंड फाइनेंस के ऊपर 3 और 4 वैकेंसीज है, जो कि 7। एंड इसके बाद चीफ मैनेजर इंटरनल कंट्रोल के लिए 2 वैकेंसीज निकल के आया है। रिजर्वेशन पॉइंट की अगर बात किया जाए, SC ST OBC EWA अनरिजर्व हर एक कैंडिडेट के लिए अलग अलग से सीट अवेलेबल हुआ है। एंड यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसके बारे में। तो चलिए अभी एडुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग से एज रिलेक्शन एंड उसका जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। जैसे फर्स्ट पोस्ट है सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के लिए एंड चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस के लिए, दोनों के ही ऊपर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड एज क्राइटेरिया रखा गया है सीनियर मैनेजर के लिए 28 to 30 ईयर्स एंड चीफ मैनेजर के लिए 28 to 40 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड दोनों में ही आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। इसके अलावा चीफ मैनेजर इंटरनल कंट्रोल के लिए जो वैकेंसी आया, उनके लिए 20 to 40 ईयर्स तक आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी बात करने वाला हूँ एडुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले कोई है, वो भी एप्लीकेशन कर सकते। चार्टर अकाउंट में अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाइड है तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर के लिए, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन और चार्टर अकाउंट और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन फाइनेंस, यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके रखा गया। इनमें से कोई भी एक कोर्स अगर आपके पास है तो डेफिनेटली इनके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bankofbaroda.co.in पे जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन भेज सकते हो। एंड यहाँ पे अगर सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग 70 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
63 to 78 तक आपका सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। और यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बता, 11 मई 2023 इज़ द लास्ट डेट, उससे पहले आपको एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। ऑलरेडी ओपन हो चुका है, अगर आप लोग जानना चाहते हो, एप्लीकेशन करना चाहते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइए एंड वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। इसके साथ आप लोगों को जॉब लोकेशन भी मेंशन कर देता हूँ, जॉब लोकेशन आपको मुंबई में रहने वाले हैं। और इसी के साथ अगर आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस जानना है तो ओनली ऑन इंटरव्यू के ऊपर सिलेक्शन किया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिंपल आपको यहाँ पर इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना होगा। एंड इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो डेफिनेटली ये जॉब आपको भी मिल सकता है। तो यही था आज की अपडेट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फिर से जारी किया गया। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक को क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज के लिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ।